बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि लगातार कविता पढ़ रहा हूँ, लोगों को लग रहा है कि बड़ा वायरल है, करियर सेट हो गया, तमाम चीज़ें हैं कविता के क्षेत्र में, करियर सेट हो गया, बहुत लोगों को लगता है। लेकिन आप लोगों से बताना चाहता हूँ, इतनी कविता पढ़ने के बाद, इतना मंच करने के बाद भी आज तक मेरा करियर सेट नहीं हो पाया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं एक जगह कविता पढ़ने गया, मैंने बहुत शानदार हास्य कविता पढ़ी, सामने एक नौजवान बैठा था, एकदम आंख लाल लाल करके मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, यार मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुमने ताली भी नहीं बजाई, एकदम आंख लाल किए हो, क्या मेरी कविता तुमको पसंद नहीं आई है? उसने कहा कि कविता तो आपकी बहुत पसंद आई, मगर एक बात है। मैंने कहा, क्या? उसने ऐसे उंगली मेरी तरफ उठाई और कहा कि तुमने मेरा चालान किया था। हमने कहा कि यार परिस्थितियां रही होंगी, करना पड़ा होगा, तुमने दो दो गलतियां की होगी, पहली गलती की होगी कोई अपराध किया होगा, और दूसरी गलती की होगी कुछ दिया भी नहीं होगा। इसलिए आज जिस परिस्थिति में मैं आया हूं, उस परिस्थिति का आनंद लो, मुझे कवि समझ करके आनंद लो, और वादा करो कि तुम इस बात को भूल जाओगी कि मैंने कभी भी तुम्हारा जीवन में चालान किया है, एक बार किया हो या दस बार किया हो, उस बात को भूल जाओगे। उसने कहा, मैं वादा करता हूं मैं उस बात को भूल जा रहा हूं कि कभी भी आपने मेरा चालान किया है। मैंने एक और शानदार कविता सुनाई, उसने आंख और लाल कर ली। मैंने कहा, भाई अब क्या हुआ? उसने फिर उंगली उठाई और कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। तो ऐसी परिस्थितियों में कविता पढ़ना पड़ता है। भर्ती आती है सिपाही की, दरोगा की, लोग पूछते हैं, लड़के पूछते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। चार लाइन में मैं योग्यता बताता हूं क्या होनी चाहिए। मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए, और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए, और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए, और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। अरे क्या बात है गुरु, वाह, एकदम झमझमा के यार ताली बजा दो, मजा ना आ जाता बात कर। अच्छा, इससे आपको लग रहा होगा कि पुलिस मजा भी देती है। एक बार हमको देखिए, एक बार इनको देखिए, और फिर बताइए कि इनके माला पहनाने से हमारा क्या भला होगा। जहां भला हो सकता तो कोई पहना ही नहीं रहा है। पुलिस की नौकरी करना और दोस्ती निभाना बहुत कठिन है। आधे से ज्यादा दोस्त इसलिए नाराज रहते हैं कि तुमने जो अंग्रेजी पिस्टल पकड़ी थी उसको हमको नहीं दिया। मैं थाने पे था, होली का समय था, 2 ट्रक मैंने नकली शराब पकड़ लिया। ये दमदार बनारसी हमारे दोस्त हैं, इन्होंने फिर मुझे फोन किया, इन्होंने मुझसे कहा कि मोटा जो माल पकड़े हो, मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, और जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो, और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, हम आ रहे हैं, एक ट्रक नमकीन भी पकड़ो। क्या बात है, वाह।
चार लाइन परिस्थितियों पे पढ़ता हूँ प्रदेश की, कि पहले जैसी परिस्थिति है अच्छी नहीं। समर्थन करिएगा अगर समझ में आए और अच्छा लगे। पहले जैसी परिस्थिति है अच्छी नहीं, ताल लय सुर यति गति है अच्छी नहीं, मिल रहे रोज मिट्टी में देखो यहाँ, माफियाओं की स्थिति है अच्छी नहीं। वाह, क्या कहने भाई, वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि हम अवतार लेना चाहते हैं बनारस के आसपास। हमने उनको मना किया, हमने कहा अवतार मत लीजिए प्रभु, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा? उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी? तो दमदार जी मैंने फिर बताया, हमने कहा कि आ नाना कन्हैया दोबारा इस देश में तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। वाह। और कदम की ठंडी छाव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका ना खून मार डालेगा। रुके रहिए, आराम से है, पहुंचेंगे वहां तक। कि चाकू सा रखाए अब घूमती है गोपियां, तुमको तो इनका ना खून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। बनारस यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और ज्यादा शौकीन हैं। ये महामूर्ख कवि सम्मेलन में कवियत्रियां नहीं आती थी, हड़ताल कर दिया यहाँ के बुजुर्गों ने। उन्होंने कहा हम देखने नहीं आएंगे। हड़ताल कर दिया, कहा हम नहीं देखने आएंगे अगर कवियत्रियां नहीं आएंगी। आज जब मैं कविता पढ़ने के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक 70-72-75 साल के बुजुर्ग दादा मिल गए। कहे बेटा कविता पढ़ने आए हो? तो हम कहें हाँ दादा। तो कहें बेटा तुम तो थानेदार हो? तो हम कहें हाँ दादा थानेदार हैं। तो कहें बेटा क्या अब उधर कुछ नहीं मिलता उलता है क्या? तो कहे बेटा जरा कान इधर लाओ। हमने कहा दादा हम कोई कान का ऑपरेशन थोड़े करा, बोलो हम सुन रहे हैं। कहें नहीं दादा जमा, कहें नहीं बेटा जमाना खराब है, हम बोले तुम ही सुनो। हम कान नजदीक ले गए, उन्होंने कान में हमारे धीरे से पूछा कि बेटा कोई कवियत्री नहीं लाए हो इस बार? हमने कहा दादा अब तुमसे क्या मतलब, कवि पढ़े कवियत्री पढ़े, सुन लो आशीर्वाद हमको भी दो। उन्होंने कहा बेटा सुन तो तुमको भी लेते हैं, लेकिन माफ करना बेटा तुमसे वो फीलिंग नहीं आती। मैं आपको एक रामलीला सुनाता हूँ। गुरु रामलीला सुना करके, थाने की रामलीला आपको सुनाता हूँ मैं। स्वागत है। थाने पर जब बतौर कोतवाल मैंने रामलीला कराई तो क्या घटना दुर्घटना हुई, यही मेरी कविता है। स्वागत। कि इस बार मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानमती का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था, मेरी धर्म पत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। पहुंचने दीजिए, रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी। मेरी दो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। मैंने अपने सबसे खास सिपाही को राम बनाया था।
मैंने अपने सबसे खास सिपाही को राम बनाया था, जिसके खिलाफ पूरा थाना चिल्लाया था कि साहब आप बबूल को आम बना रहे हैं, जो रावण से भी गया गुजरा है उसको राम बना रहे हैं। आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा? आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा? 100 रुपया नहीं छोड़ता है। अरे वाह 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 वाह, 100 रुपया नहीं छोड़ता है। अयोध्या की राजगद्दी क्या ये छोड़ देगा? 20 नाटक में इसका लालच जाग जाएगा। अगर कोई डीलिंग वाली बात आई तो रोल छोड़ेगा, वहीं से भाग जाएगा। अरे क्या बात। आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। एक बताता हूं कि अगर कोई भी माल, कोई हथियार आपका, कोई गाड़ी आपकी किसी मुकदमे में दाखिल हो गई थाने में, तो उसको कहते हैं माल मुकदमाती, और उसकी जिम्मेदारी होती है पूरी हेड मुहर्रिर पर। अब कविता सुनिए कि आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। धनुष टूटते ही थाने का हेड मुहर्रिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरे थाने को अपने सर पे उठाने लगा। उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, क्योंकि जो धनुष टूटा था ना, वो माल मुकदमाती था। हेड मुहर्रिर ने कहा हम अलग से केस करेंगे, कल अदालत में माल तलब है, तारीख लगी है, बताइए कौन सा धनुष पेश करेंगे। मैंने एक तरकीब बताई जो हेड मुहर्रिर को भा गई। तब तक पुरातत्व की टीम थाने पर आ गई। पुरातत्व की टीम वाले अलग गरमाने लगे, उल्टा जलवा, हम थानेदार, हमारा थाना, उल्टा जलवा हमको दिखाने लगे। मजबूरी में मैंने उल्टा केस किया, अगले दिन 50 किलो गांजा और टूटे धनुष के साथ पुरातत्व वालों को ही अदालत में पेश किया। थाने की महिला कांस्टेबल, जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इन दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। जैसे आप लोग रामलीला देखते हो, कब सम्मेलन देते हो, आपको लगता है कि ये लोग कराते हैं? मैंने अपने थाने पे कब सम्मेलन कराया था? ये कवि लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये त्याग तपस्या बलिदान भारत चीन पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके पेमेंट की तो ये एक पैसा नहीं छोड़ते हैं, एक पैसा ये कभी नहीं छोड़ते हैं। तो हमने जब बात किया तो किसी ने 25,000 मांगा, किसी ने 50,000 मांगा, किसी ने 1,00,000 मांगा। हमने कहा कि थाने में कब सम्मेलन होना है, आप लोग आ जाइए। पूरी रात दमदार बनारसी का शानदार संचालन था, पूरी रात शानदार कब सम्मेलन हुआ। सुबह जब सब कवि लोग चलने लगे तो मैंने जिसका जो तय था, 25,000, 50,000, 1,00,000 जिसका जो तय था, उसके हाथ में ईमानदारी से रख दिया। दमदार बनारसी की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे भैया हम पुलिस को बहुत गलत समझते थे, लेकिन हमारी आंख खुल गई। हमने कहा क्या? कहे हम समझते थे कि पुलिस सिर्फ पैसा लेना ही जानती है। हमने कहा सब कुछ जानते हैं। इन्होंने कहा क्या अब हम लोग जा सकते हैं? हमने कहा जाओ यार, तुम्हारा पेमेंट हो गया। आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। ये उत्कर्ष उत्तम वैसे तो हास्य पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन पढ़ दिए थे कि देशद्रोहियों को पिस्तौल से मार देंगे।
हमने इनके कंधे पर हाथ रखा, हमने कहा उत्कर्ष भाई वो पिस्तौल अब हमको दे दो। इन्होंने कहा कविता में कहा था, हमने कहा कोई बात नहीं, अगर बयान में बात आ गई है तो पिस्तौल तुमको देना पड़ेगा। इन्होंने कहा तलाशी ले लो, इनको दूर हटा करके हमने तलाशी लिया, यकीन मानिए पिस्तौल बरामद हुई। फिर वाह, सब कभी लोग कहने लगे हमसे क्या मतलब है, पिस्तौल मिली है उत्कर्ष के पास से। हमने कहा नहीं भाई, हमको ये मुखबिर से पता चला है कि ये पूरा गिरोह कहीं एक साथ रात में रहा है। दमदार कहने लगे कि आपकी आंख फूट गई है, पूरा गिरोह रहा है आपके थाने पे, कब सम्मेलन किया हम लोगों ने। हमने कहा माफ करना, मैं खुद गवाह हूं कि आप थाने पर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस की गवाही अदालत में मानी नहीं जाती है। जिससे जो तय था 25,000 50,000 सब हमने ले लिया। जब हमने ले लिया तो दमदार कहने लगे भैया आपने पैसा दिया था, आपने वापस ले लिया, तो आप ये बता दीजिए कि आपने पैसा दिया क्यों था जब वापस लेना था। हमने कहा कि जो पैसा हमने दिया था वो हमारा फर्ज था, वो हमारा फर्ज था, और जो हमने लिया है यही हमारा धंधा है। बस बस खत्म कर रहे हैं, यही हमारा धंधा है। अभी आपने सुना कि वो राष्ट्रीय खबर है कि सीमा भाभी उम्मीद से हैं, राष्ट्रीय खबर है सीमा भाभी उम्मीद से हैं। अरे खबर हुआ नहीं, पांचवा आ गया, आपके खबर देर से पहुंच रही है। अच्छा, तो सीमा भाभी ने कहा कि हम सचिन से भी एक बेबी करेंगे। हम बहुत गुस्सा हो गए, हमने कहा ये क्या बात हुई, जिससे तुम नफरत करती थी, जिसको मतलब छोड़ के आई उससे चार, और हमारे सचिन से खाली एक, तो ये तो नाइंसाफी है। तो हमने कहा अभी प्यार में तुम्हें और बेकरार करेगा, अगर चार लाइन समझ में आ जाए अच्छी लगे तो एक बार विदाई की तालियां दीजिएगा। अंतिम बात कहता हूं, मतलब यहां वाली अंतिम बात। मैंने कहा कि अभी प्यार में वो और बेकरार करेगा, एक फौज बराबर की तैयार करेगा, एक अभी प्यार में वो और बेकरार करेगा, एक फौज बराबर की तैयार करेगा, और लेकर के चार सीमा आई सीमा पार से, लप्पू सचिन भी सीमा से अब चार करेगा। जय हिंद जय भारत।